मैं शाम को आ जाऊंगा, ठीक है, ओके बाय। अरे वे अरे साहब, तेरी मत कैसे हो गई? मेरी गाड़ी के सारे महाराजा कहीं का आराम फरमा रहा है। अरे नहीं साहब, वो आपकी गाड़ी गाड़ी का ना जो शीशा है ना वो शीशा शीशा कहाँ का? गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया। क्या चुराया है मेरी गाड़ी से? बोल मेरा वो खड़ाओ, वो आपके खड़ाओ। सर मेरा कुर्ता मत पाड़िए, कुर्ता ले भिखारी। क्या निकाला गाड़ी से? वो गाड़ी में पैसे रख के आपके पैसे रखे निकाल दिए ना पैसे मेरे, निकाल दिए ना पैसे। नहीं साहब मैंने कुछ दिखा कुछ क्या निकाला है कुछ साहब, क्या है ये इसमें? अरे साहब कहाँ है पैसे मेरे? मेरे पैसे दे साहब, पैसे दे दे मेरे, मेरे पैसे दे दे, ठीक है साहब आप पैसे चाहिए। अरे अच्छी तरह से जानता हूँ, ये रोने का बहाना मत बना मेरे सामने, अच्छी तरह से जानता हूँ तेरे जैसे भिखमंगे लुटेरे डकैतियों को। कसम खाता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं निकाला। बच्चों की कसम खाता है, बच्चों की कसम खाता है, बच्चों की कसम खाता है। अरे जाके कहीं डूब मरना, तेरे को शर्म आती है नहीं आती है? ये चोरी का माल खिला के अपने बच्चों को अपनी औलाद को पालता है, तू क्या बना लेगा उनको? क्या बना लेगा? अफसर नहीं बनेंगे तेरे जैसे, डकैत बनेंगे। नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं भगवान की कसम खाता हूं, आप से गिर ली। तो ये पहले अपना सारा का सारा ये उठा के जरा उठा डाली से। ठीक है साहब उठाता हूं साहब। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं, शर्म नहीं आती, बदतमीज कहीं का। अरे गाड़ियों के सारे लग के बैठने का शौक है ना, और गाड़ियों में बैठ के घूमने का शौक है। अरे तो कोई काम किया होता, पढ़ाई लिखाई की होती, ठीक है, नौकरी करता, पैसे कमाता, तब जाके गाड़ियां लेता। आवारा निकम्मा बदतमीज कहीं का। राजीव क्या हो रहा था ये? वो कुछ नहीं मैडम, वो एक था, वो चोर था, पता नहीं हमारी गाड़ी से क्या सामान निकाल के ले गया है। चोर था? हाँ देखो ना, गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया उसने। गाड़ी का शीशा तोड़ दिया या तुम खुद गाड़ी का शीशा ऊपर करना भूल गए? नहीं नहीं मैं ऊपर करके गया था मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ से दिख रहा है ये टूटा हुआ? देखिए ना शीशा कहाँ है, देखिए। क्योंकि ये शीशा तुम नीचे करना भूल गए थे, और उस बुजुर्गों को कितने थप्पड़ मारे, कितने थप्पड़ मारे? नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं, मैं मैनर्स भूल गए क्या? मैनर्स भूल गए क्या? अरे मैडम मैंने तो आज तक कभी भी मैं कोई शीशा नीचे ऊपर मैं कभी नहीं भूला मैडम। आप राजीव कीप क्वाइट, ये पैसे यहीं की यहीं पड़े हैं, ठीक है, और ये पर्स और ये बैग सब कुछ यहीं पड़ा है। फिर ये शीशा कहाँ? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको विश्वास नहीं होता ना, ये देखिए, ये देखिए कहाँ है शीशा, दिखाओ, देखिए दिखाओ। अगर राजीव शीशा मिल गया ना तो फिर मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। देख आप खुद ही देख लो, देखो कहाँ है शीशा, देखो कहाँ है शीशा, देखो। तुम देखो मुझे मत दिखाओ, देखा दिख गया कहाँ है शीशा, दिख गया क्या? अरे अब दिख रहा है मैडम, ये तो आंखों का इलाज करवाऊं या तुम्हें दिखाई दे रहा है फिर? मैडम सॉरी है, तुम्हारे बाप की उम्र के समान वो आदमी था, उसको कितना मारा तुमने, मैं वहीं से गेट पे से खड़े होके तुम्हें देख रही हूँ लगातार, समझ में आ गई? मैडम मुझसे आज पहली बार ये भूल हुई है, लेकिन मैडम मैं झूठ नहीं बोलता, ये आजकल ऐसे है ना, ये चोर भी घूमते हैं, दूसरे की गाड़ियों के साथ में बैठ जाते हैं, और फिर है ना गरीब और भिखारी का बहाना बना करके गाड़ियों से सामान लूट जाते हैं। आप पढ़ते हो गए अखबार में? जाओ यहीं के यहीं, वरना ना ये जुबान ना मैं खींच लूंगी, समझ में आ गई? चोर वो नहीं, चोर तुम जो ये लिबास पहन के खड़े हो ना, चोर तुम हो एक तरीके से, समझ में आ गई? मैडम मुझसे पहली बार भूल हुई है, मुझे तुम्हारा मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, यही चुपचाप खड़े रहो आप, बदतमीज, मेरा भी नाम दबाओगे? मैडम माफ कर दीजिए, मैंने कहा अपनी जुबान बंद रखो, समझ में आ गई? वरना साहब से कह के ना तुम्हारा वो हाल करवाऊंगी, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, बदतमीज कहीं का, पता नहीं मेरे पल्ले पड़ गया आके। मैडम बाबा प्लीज रुको, आप रो मत,
आपकी बेटी समान हूँ मैं, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ इसकी तरफ से, माफ़ कर दो इसको। बाबा माफ़ कर दीजिए मुझे, हम गरीब हो गए तो बेटिया, भगवान ने नसीब ऐसे लिख रखी है, इनका कोई कसूर नहीं है, सब कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमेशा हर दुख हर कष्ट हमें ही सहन करना पड़ता है। मैं माफ करने वाला भला कौन होता हूँ बाबा, प्लीज आप इसको माफ कर दो, यह ज्ञान है इसको कुछ भी नहीं पता, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। और बाबा इस बैग में ना कुछ खाने पीने के लिए है और ये कुछ पैसे, शायद ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत शायद आपका हाथ बटा सकती हूँ मैं। बेटी कह रहे हो ना, बेटी कह रहे हो ना, तो लेके जाओ ये मेरी तरफ से। भगवान तुझे हर खुशी दे बेटिया, हर खुशी दे। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, दूर चला जा यहाँ से। अरे एक गरीब आदमी के ऊपर हाथ उठाते तुझे शर्म नहीं आई? मुझे माफ कर, मुझे खुद से घिन आ रही है कि तुझ जैसा ड्राइवर मैंने अपनी नौकरी पर रख रखा है। और सुन, मुझे ना तुझ जैसे ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है, जाए यहाँ से, नौकरी से निकाल दे। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैडम मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बिटिया मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देख हम गरीबों के बाके में तो पता नहीं इस पर क्या लिख रखा है, इसके भी बच्चे होंगे, इसका भी परिवार होगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ गुड़िया, उन बच्चों को दर दर का भूखा मरने पे मजबूर मत करो, इसको अपनी नौकरी से मत निकालो, मत बाबा निकालो। इस लायक नहीं है ये इंसान। नहीं बेटिया, अरे जिसने बाप समान आदमी के ऊपर हाथ उठा दिया। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं। माफी प्लीज मुझसे नहीं, इन बाबा से मांगो। बाबा बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था, मैं घमंड में चूर हो गया था, जिससे मैं ऊपर मुंह करके चल रहा था और मैंने कभी जमीन को देखा ही नहीं। मैं भूल गया था कि आखिर जमीन पर ही तो मेरे पैर है, जमीन पर ही तो मैं चल रहा हूँ, जमीन से ही तो जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा मुंह ऊपर आसमान की तरफ था। मुझे माफ कर दीजिए। एक बात बताओ, जिंदगी में ऐसा है और गरीब की जितनी मदद करोगे ना, भगवान उसका दोगुना देगा। मुझे नहीं पता तूने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया, शायद मेरे कर्म में लिखा हुआ था, तुम्हारी गलती नहीं थी। पर बिटिया मैं हाथ छोड़ता हूँ, इनको नौकरी से मत निकालना। बाबा मुझे माफ कर, देखा राजीव, गरीब आदमी सिर्फ कपड़ों से गरीब दिखाई देता है तुम जैसे लोगों को, लेकिन इनका दिल ना बहुत बड़ा और अमीर होता है।